हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बस कंफर्म ऑडियो आ रहा है प्रॉपर? ऑडियो प्रॉपर? प्लीज कंफर्म एवरीवन और यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आज अपन लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड चीजें आज चलेंगी। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला लेक्चर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और लिखते कैसे हैं, ए प्लस आई बी फॉर्म में। और ये ए और बी क्या होते हैं, ये रियल नंबर से आते हैं। ठीक है, और इसमें से ये जो पार्ट होता है जिसमें आई नहीं होता है, इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। ठीक है, इतना सबको पता भी होगा। और जो आई के साथ में लिखा हुआ उसको अपन लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर। ये देखो रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों के सम को क्या कहते हैं, जब करते हैं तो इसको सम को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी एंड यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय जेड। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस आई बी टाइप का होता है। इसमें ये ए और बी रियल नंबर होते हैं, लेकिन ये जब ए प्लस आई बी में लिखते हैं तो ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो जाता है और ये रियल पार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बोथ ए एंड बी आर रियल नंबर, द वैल्यू ऑफ ए इज कॉल्ड रियल पार्ट व्हिच इज नोटेड बाय आर ई ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड को ऐसे लिखते हैं आर ई ऑफ जेड, और इमेजिनरी पार्ट बी इसको लिखते हैं आई एम ऑफ जेड। ठीक है, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट। सर सर हेलो, यस यस बोलो बेटा। अरे रियल सर विजिबल नहीं हो रहा है, स्क्रीन शेयर हुआ है क्या ना? सॉरी 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 सॉरी, बोलना चाहिए था ना यार, मैं स्क्रीन शेयर कर देता। किया तो है मैंने स्क्रीन शेयर तो किया हुआ है, बाकी सबको विजिबल हो रहा है? तो एक बार लीप करेगा क्या? हाँ, बाकी सबको विजिबल हो रहा है, रुको मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी शो हो रहा है? एक सेकेंड रुको, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, वेट फॉर 2 मिनट्स। अभी बताओ, सभी को शेयर हो रहा है? सभी को विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो मैं यही बता रहा था, ये जो ए वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं आर ई ऑफ जेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड, और जो बी वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आपको रिविजन करो। सबसे पहले तो जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से।
इस कैसे होते हैं, ए प्लस आई बी टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसमें से ए और बी पर्टिकुलर जो है ये रियल नंबर के सेट से आते हैं, और इसमें से ए वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और बी वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को आर ई ऑफ दैट लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को आई एम ऑफ दैट लिखते हैं। इमेजिनरी का आई एम ले लिया स्टार्टिंग का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इफ रियल पार्ट यानी कि जेड इज इक्वल टू जीरो देन इट इज कॉल्ड एज प्योरली इमेजरी। ये मैट्रिसेस में भी आपको पढ़ने मिलता है, प्योरली इमेजरी होगा, डायगोनल एलिमेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा आगे पढ़ेंगे। तो यही होता है, अगर रियल पार्ट जीरो है यानी मान लो ऐसे लिखा है थ्री ऑफ आई, तो इसको आप क्या कहोगे, एक प्योरली इमेजनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और अगर मान लो ऐसे ही सिर्फ टू हो तो आप इसको कहोगे क्या, रियल नंबर तो है ही है लेकिन आप इसको कहोगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल नंबर या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि देखो इन दोनों को ही अगर आप कहो सर टू कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं प्रूफ कर दूंगा, टू प्लस आई इंटू जीरो कर दो, क्या जीरो रियल नंबर नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये भी हुआ। और क्या थ्री थ्री आई जैसे लिखा था, क्या थ्री आई कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं, जीरो प्लस थ्री आई कर लो ये भी रियल नंबर। देखो ए प्लस आई बी फॉर्म में हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये हो जाएंगे, लेकिन कैसे होंगे ये वाले केस में, जब आई वाला पार्ट यानी कि इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं या प्योरली रियल नंबर बोल सकते हैं, और सिर्फ आई वाला पार्ट है तो कह सकते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही सभी को। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखो लिखे, जैसे एग्जांपल क्या होता है समझने के लिए, सब बेसिक है, तो भी टू प्लस थ्री आई माइनस टू माइनस आई, ट्वेल्व प्लस थ्री आई, टू प्लस थ्री आई, टू माइनस टू माइनस, दो बार आ गया चाहिए, ठीक है। इस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिए। अच्छा मैं एक क्वेश्चन अभी पूछने जा रहा हूँ आप लोग को, अगर इतना आप लोग को क्लियर हो रहा है तो मुझे एक आंसर दे रहा है सभी को, आप लोग देंगे। ये बताओ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या रियल नंबर, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, रियल नंबर तो है ही, टेल मी जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, सोच के और समझ के जवाब दीजिए सभी लोग, आंसर करिए कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या नहीं होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, ए प्लस आई बी टाइप के नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, तो जीरो रियल नंबर तो है ही, रियल नंबर तो है ही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं। कोच कह रहे हैं यस होगा सर, और टैम भी कह रही है यस होगा, राजू भी कह रहे हैं यस होगा, ठीक है। बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या आंसर दे सकते हैं, लॉलेन ताना जोम राजू, सिर्फ आंसर दिया करो, जब तक कमरा पूरा लिखा मत करो, बाकी सबको जो है मिल जाता है। ताना लॉलेन तय तक तैतिन बोल रहे हैं यस होगा, और लोगों के आंसर है भाई जोनी ताना भी कह रही है यस होगा, तो सही है आंसर आप लोग का, जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और राजू ने इसका पूरा हिंट कर दिया चैट बॉक्स में, तो पूरा हिंट नहीं करना जब तक पूछा ना जाए, क्योंकि इसको जीरो इंटू आई जीरो लिख सकते हो, और देखो ए प्लस आई बी फॉर्म में हो गया, और ये ए भी क्या है रियल नंबर, तो जीरो कॉमन जीरो दोनों क्या है रियल नंबर है, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। का मतलब आप लोग इतना इतना मैंने आपको बताया है वहां से समझने लगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आई होता है इसको कहते हैं आयोटा, ठीक है, लेकिन आई बोल दो, ये इमेजिनरी चीजों को शो करता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। आई की बेसिकली वैल्यू देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, आई का मतलब क्या होता है माइनस अंडर रूट वन, अंडर रूट पे जो माइनस वन आता है इसको जो है मैथ में नाम दिया गया ये माइनस आई होगा, यानी कि ये इमेजिनरी होगा। क्यों किया गया, क्योंकि अंडर रूट हमें पता है जीरो हो या प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, इन सब का हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब अंडर रूट माइनस वन आ जाता है या माइनस में कोई भी नंबर आ जाता है, तो माइनस वन के साथ दिक्कत ये है
कि माइनस वन को आप कैसे जाके शो करो, वन का तो अंडर रूट पता है भाई, वन हो जाता है, माइनस वन का कैसे शो करो, क्योंकि वन की पावर जब वन बाई टू आप करते हो तो वन की पावर प्लस में कोई भी करो वन आ जाता है, लेकिन जब माइनस वन की पावर वन बाई टू करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि पता नहीं है वन बाई टू वो क्या लोगे आप, इसको आप इवन नंबर की तरह लोगे या ऑड नंबर की तरह लोगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते। वन में क्लियर है, वन में कुछ भी पावर करोगे वन आएगा, लेकिन माइनस वन में क्या होता है, अगर इवन पावर है तो प्लस वन, ऑड पावर है तो माइनस वन, ये अनडिफाइंड चीजें होंगी, यहाँ समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे। तो इसका ही एक तरीका निकाला गया मैथ में और इसको कह दिया गया आई, यानी इसके लिए चीजें इमेजिन तो की जा सकती है बट रियली रियली में उसका रियल सोल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता। इसके इस प्रॉब्लम से ही जब मैथ में ये प्रॉब्लम आई, यहीं के बाद से क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन शुरू हुआ। पहले मैथ्स में स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर कोई जानता ही नहीं था, कब तक नहीं जान पाया, जब तक अंडर रूट माइनस वन की चीजें सामने नहीं आई। अंडर रूट माइनस वन आया, इस पर रिसर्च हुई, अंडर रूट माइनस वन पर रिसर्च हुई, ये देखा गया रिसर्च में आज भी चल रही है कि इसको क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसका, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन उसको आप जैसे नहीं कहते इमेजिन करना क्या होता है, कल्पना करना, आप इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा क्या, लेकिन रियली में वैसे ही चीजें ऑर्डर में हो सकती है क्या, तो जो चीजें ऑर्डर में नहीं हो सकती उन्हीं को तो आप इमेजिन करते हो, और जो एग्जिस्ट करती है उनको तो जाकर मार्केट से ले आते हो, या जो चीज आप खरीद सकते हो ले आते हो, जो नहीं खरीद सकते उसको इमेजिन करते हो कि खरीदेंगे जॉब लगते के बाद, तो ये सब इमेजिन तो है, आप सोचते हो कि जॉब लगेगी इतना हम ये चीज करेंगे, लेकिन अगर जॉब नहीं लगी तो फिर इसका मतलब ये भी नहीं कर पाओगे काम, तो ये क्या है, यहां से इमेजिनरी चीज चल रही है, लेकिन जॉब है, जब जॉब है जब जॉब है आपके पास, आप तब क्या करोगे, तब तो फिर एक ही चारा बचता है ना, और वो क्या है, ये तो इमेजिन चीजें हैं, नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपके पास जॉब है, ये रियल है, तो आप गए ले आए, यानी आप यहाँ सोचो ही नहीं, यहाँ सोचो बाद में, जब ये हो जाता है इसके बारे में अगर आप थिंक करते हो तो आप इमेजिन दुनिया में नहीं हो, लेकिन अभी से जब हम सब इमेजिन करते रहते हैं तो ये इमेजिनरी दुनिया है, इमेजिनरी वर्ल्ड है। आई की बात ऐसी होती कि अंडर रूट माइनस वन था, इसको आई नाम दिया गया, आयोटा यानी कि इमेजिनरी, और इसकी वैल्यू होती क्या क्या, देखो आई है, आई स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन, आई क्यूब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आई क्यूब को बोल सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई, यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और आई की वैल्यू आई तो माइनस आई, आई की पावर फोर जो होता है वो होता है वन, यानी कि आई की पावर फोर क्यों वन होता है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन हो जाता है, यही वैल्यूज यहाँ पर मैंने लिख रखी है, मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन होती है, यही बताया आपको, आई स्क्वायर माइनस वन आई क्यूब की वैल्यू करेंगे तो ये माइनस आई आएगा, यहाँ पर माइनस आई लिखा हुआ है, ठीक है, और आई की पावर फोर की वैल्यू वन। अब कभी कभी क्वेश्चन में आई की पावर सॉल्व करने को भी आ जाता है, जैसे यहाँ लिखा आई की पावर फोर की वैल्यू वन है तो आई की पावर फोर एन की वैल्यू वन होगी, क्यों, अब मान लो फोर एन की वैल्यू मान लो 16 रख दी मैंने, आई की वैल्यू 16, तो आई की वैल्यू 16 को लिख सकते हो, आई की वैल्यू 4 इंटू 4, ठीक है, तो क्या लिखोगे, आई की पावर 4 और फिर आई की पावर 4 लिख दो, या नहीं नहीं आई की पावर 4 इंटू 4 ऐसे लिखोगे इसको, आई की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी 1, 1 की वैल्यू 4 करो क्या आएगा 1, तो आई की पावर कुछ भी हो जाए 4 इंटू एन में, यानी 4n 4n में 8n 4n 8n, यानी कि 4 के मल्टीपल्स में कुछ भी होगा वो वैल्यू 1 होगी, लेकिन जैसे यहाँ पर लिखा है कि पावर है 4n प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी माइनस आई, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ वैसे की जो कैपिटल लेटर से लिखे है, कैसे होगी, आई की पावर 4n प्लस 1 है, इसको आप अलग करोगे तो आई की पावर 4n इंटू आई आएगा, अब आई की पावर 4 और n को ऐसे लिख दो इंटू आई लिख दो, तो आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की पावर n इंटू आई, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर n करोगे 1 आएगा, आई आ जाएगा, 0 को 4n प्लस, अगर 4n प्लस 3 होता
यहाँ पर आई क्यू होता है, यानी कि सिर्फ हमें जो आगे वाला थ्री है इसको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू तो पता है वन हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू वन हो जाएगी तो सिर्फ इस वाली वैल्यू को सोल्व कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, अदरवाइज अगर समझ में आ रहा है तो रिप्लाई करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर मूव करते हैं। अभी देखो कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन है, कैसे ये लगते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है इनको, ये देखना है अपने को। किस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे, किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे और क्या क्या उसमें होना है, ये देखते हैं फॉर्मेशन। देखो अलजेब्रिक ऑपरेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे यहाँ एडिशन का लिखा हुआ है, ए प्लस आई बी सी प्लस आई बी, ए प्लस आई बी और प्लस सी प्लस आई बी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको ऐड करना है। तो क्या होता है, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होता है, क्योंकि आई कॉमन आप ले सकते हो। तो रियल पार्ट यहाँ क्या है, ए, यहाँ पर क्या है सी, इनको एक साथ कर लो, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन लिखा है इसलिए इनको इनको प्लस कर रहे हैं हम लोग। अदरवाइज इनका अपना कोई साइन होता तो हम लोग यहाँ पर वो भी रखते हैं, ठीक है। और प्लस आई लिख लो और बी प्लस बी कर दो, रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये एडिशन हो गया। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्शन ऐसे हो जाएगा, ये ए माइनस सी लिखा हुआ है, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन कर देना है, रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे प्लस आई, और इसके बाद देखो यहाँ प्लस आई लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि अगर इमेजिनरी पार्ट को लिखोगे तो कैसे आएगा, आई बी माइनस आई बी, यानी आई बी प्लस और ये माइनस आई बी, अभी आई कॉमन लोगे तो क्या आएगा बी माइनस, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट का हो गया सब। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, मेन बात है मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन में यहाँ सबका मल्टीप्लाई होता है, जैसे ए प्लस आई बी है और ये सी प्लस आई बी, अभी अपने को इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या करोगे, ए से मल्टीप्लाई करो इस पार्ट पर, तो क्या आएगा ए सी, फिर ए का मल्टीप्लाई करो डी वाले सेकेंड वाले पार्ट पर, तो आएगा प्लस आई ए डी, फिर आई बी का सी में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आई बी सी, फिर आई बी का आई डी में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आई इंटू आई आई स्क्वायर हो जाएगा और साथ में बी डी आ जाएगा। देखो ए सी प्लस आई आई कॉमन है, सिंगल आई है यहाँ पर, तो ए डी प्लस बी सी, और यहाँ पर आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगी वैल्यू माइनस वन माइनस बी डी, ठीक है। अभी इन दोनों को एक साथ लिख लो, क्योंकि ये भी रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है, ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी और प्लस आई ए डी प्लस बी सी। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट है रेसिप्रोकल कैसे करते हैं। रेसिप्रोकल दिया है इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए इसका रेसिप्रोकल करना है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वन प्लस ए प्लस आई बी हो जाएगा, ठीक है। अब ए प्लस आई बी को वापस से, क्योंकि ये अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसके रेसिप्रोकल को ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें भी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना, और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म वो कैसा होता है ए प्लस आई बी टाइप का,
लेकिन क्या ये ए प्लस आई बी टाइप का लिखा है, तो वन अपॉन ए प्लस आई बी लिखा हुआ है, इसलिए इसको सिर्फ रेसिप्रोकल करने, मतलब ये नहीं कि आप वन अपॉन ए प्लस आई बी कर देंगे, अभी इसको आपको और सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो जब रेसिप्रोकल या डिनोमिनेटर में कुछ होगा और इसे सॉल्व करना है, रेसिप्रोकल करना है, कुछ भी करना है, और लाना कहाँ तक है ए प्लस आई बी फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लस है तो आप माइनस ले लोगे और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर भी, यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। अभी नेक्स्ट कॉन्जुगेट जो हम लोग पढ़ने वो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊपर आ जाएगा a माइनस आई बी अपॉन, नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, आपने पढ़ा है ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक की, अगर a प्लस बी और a माइनस बी है तो उसका वैल्यू जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉन्जुगेट अभी पढ़ेंगे ना, तो वो मैंने कहा था देखो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है वो आने तो दो, अभी तो कुछ और बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। तो इसका देखो मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि पहले पार्ट का स्क्वायर माइनस दूसरे पार्ट का स्क्वायर आई बी का स्क्वायर। देखो मैंने यही कहा था ना ए प्लस बी ए माइनस बी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है, सॉरी एलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, ए प्लस आई बी ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता, मैंने कर दिया, लेकिन आई के साथ आपको करना बी से माइनस रहेगा। अभी इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ए माइनस आई बी अपॉन, ज्यादा आ गए हम लोग जगह नहीं मिल रही है, जगह बना हाँ, तो a प्लस आई बी ये आ गया था अपना सॉल्व करके a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर माइनस आई बी, ये हो जाएगा a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर माइनस और i का स्क्वायर और b का स्क्वायर, हो जाएगा a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और प्लस बी स्क्वायर। अभी देखो ये आ गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो आप ऐसे अलग अलग बोल सकते हो माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, क्योंकि a प्लस आई बी ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, इस तरीके से इसका रेसिप्रोकल करके आप पूरा इसको खत्म करोगे पूरे सम। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एक बार बताइए सभी को, रेसिप्रोकल करने का या न्यूमरेटर में कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको सॉल्व करने का, सॉरी डिनोमिनेटर में यही तरीका होता है, आप पहले उसका क्या करोगे अपोजिट साइन देके मल्टीप्लाई करोगे ताकि नीचे स्क्वायर में बन जाए ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाए, और ऊपर a प्लस आई बी आई माइनस बी आई बी तो बन ही जाएगा, और नीचे सॉल्व करना जैसे होता है मल्टीप्लाई वैसे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब ये चीजें क्लियर है तभी हम लोग उसके आगे बात कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में चाहे टीजीटी में हो या फिर पीजीटी में, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं आपको बताऊँ क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। सिलेबस में लिखने में तो बहुत सारी चीजें लिख दी जाती है, बट एग्जामिनर क्या देता है, एक तो कॉन्जुगेट करना, रेसिप्रोकल करना, या इसका ए प्लस, किसी क्वेश्चन को देख के कहना कि इसका ए प्लस आई बी फॉर्म क्या होगा, मॉडुलस और मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना, स्क्वायर रूट निकालने की बात कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल सॉल्व होगा आई वगैरह का। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो मैं पढ़ा जा रहा हूँ आपको कॉन्जुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो इसका कॉन्जुगेट अगर हम करें या कॉन्जुगेट नंबर हमें पता करना हो तो क्या करना है, हमें सिर्फ i को माइनस आई से रिप्लेस कर देना, देखो a माइनस आई बी हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट लिखते हैं तो उसके ऊपर एक ऐसे लाइन बना देते हैं, इसको बार बोलते हैं। तो z अगर ये है तो z बार बोलने का मतलब हो गया कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस आई, ठीक है, यही कॉन्जुगेट की होता है। और यहाँ पर देखो हम लोगों ने कॉन्जुगेट का यूज किया था, डिनोमिनेटर में ए प्लस आई बी था, यानी कि जो भी था
ए प्लस आई बी था, तो उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया ए माइनस आई बी, तो कन्वर्ट हो गया ए प्लस आई बी फॉर्म में, नीचे स्क्वायर बन गया ऊपर नॉर्मल फॉर्म आ गया। ठीक है, कॉन्जुगेट में बहुत ज्यादा वो नहीं, कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करना ना चाहिए। अभी देखो जैसे यहाँ पर फिर से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, रिप्रेजेंट 1/3 + 2i into a plus ib form, तो अब इसको आप लोग जरा करके बताओ कि इसका a plus ib form में क्या आएगा आंसर। सभी लोग ट्राई कर रहे हैं कॉपी से। पहले क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में ए प्लस आई बी है, हमें इसको न्यूमिनेटर में ले आना है, तो हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस आई बी फॉर्म में आ जाएगा। राजू का आंसर आया 3/13 माइनस आई 2/13। ठीक है राजू, देखते हैं चेक करते हैं। हाँ लगभग यही आएगा शायद, नीचे स्क्वायर बनेगा तो क्यूब हो जाएगा। शांति का आंसर आया है, शांति आपके आज पहली क्लास है, एडमिशन ले लिया आपने, रजिस्ट्रेशन करा लिया है, गुड। और किसी की भी आज पहली क्लास है क्या टीजीटी में? जुम का भी आंसर आया 3/13 माइनस आई 2/13, कॉमा नहीं लगाना है जुम, ए प्लस आई बी फॉर्म में अगर लगाना है तो कॉमा मत लगाओ, कॉमा का कोई रोल नहीं है, लिखना भी है तो 3/13 माइनस टू माइनस आई 2/13। कोच का भी आंसर आ गया है, गुड। ताना का भी आया है, गुड 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 गुड। तो कितनी अच्छा लगता है ना इसे पढ़ने में कि कुछ सर ने कराया फिर एक चीज हम लोगों ने समझी, अगर फोकस करोगे तो ऐसे एग्जाम में भी अच्छे से कर पाओगे। एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं डालता कि आप इसको सॉल्व ही ना कर पाए, ठीक है, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी घुमा देते हैं आपको, बोल लिखेंगे कुछ करवाएंगे कुछ तो वहां फंस जाते हैं, दो तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अगर आप फोकस करके करो और ये सोच के तो करना ही होता है क्वेश्चन, देखो 100 क्वेश्चन अगर आए हैं, 100 क्वेश्चन या 100 मार्क्स के, मान लो 50 क्वेश्चन है किसी में, 50 क्वेश्चन अगर किसी पेपर में या एग्जाम में आपके हैं, तो 50 में से 50 तो किसी को नहीं करने, क्योंकि ऐसा तो रखेंगे वो कि एक दो तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ, इसमें 50 में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बहुत लेंदी रखे जाएंगे, जानबूझ के रखे आते हैं वो, खुद ब खुद रख देता है एग्जाम अंदर कि इसमें लोग फंसे, ठीक है, क्योंकि उसको पता था जब उसने 5 क्वेश्चन ऐसे दिए तो 45 क्वेश्चन जो है उसी में उसको मार्किंग करनी, क्योंकि उसको पता ये 5 क्वेश्चन कोई नहीं करेगा। अब इन 45 में वो आपको करने लायक क्वेश्चन देगा, और इन 5 क्वेश्चन की वजह से अगर कोई इन 45 में डिस्टर्ब हो गया तो खत्म उसका खेल, और अगर इन 5 क्वेश्चन को आप पहचानते जाओ, 5 हो सकते हैं 6 हो सकते हैं, पहचान के छोड़ते जाओ और बाकी जो 40-45 बचते हैं उस पर फोकस करते हो और आसानी से बिना प्रेशर में आए करो, तो आप सिलेक्शन पा जाते हो, वहां पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं ये क्वेश्चन खुद नहीं कर रहा हूँ, आप लोग का आंसर सबका आ ही गया है लगभग, ठीक है, चलो अच्छा मैं कर देता हूँ, हो सकता है कुछ लोग रिकॉर्डिंग से पढ़े, आप लोग भी चेक कर लेना कि आप लोगों ने सही तरीके से किया या नहीं किया, ठीक है। तो 1/3 + 2i है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ टी प्लस टू आई, दैट इज टी माइनस टू आई इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा 1/3i है, 1 + 3
प्लस टू आई, तो थ्री माइनस टू आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर हो जाएगा थ्री माइनस टू आई, नीचे क्या हो जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन, थ्री स्क्वायर माइनस टू आई स्क्वायर, थ्री माइनस टू आई अपॉन थ्री का स्क्वायर नाइन, आई का स्क्वायर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा फोर, ये फोर हो जाएगा तो थ्री माइनस टू आई अपॉन थर्टी, एक हो जाएगा थ्री अपॉन थर्टी माइनस आई टू अपॉन थर्टी, ठीक है, ये आंसर हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड ए प्लस आई फॉर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को करिए आप सब लोग। वन प्लस ए वन प्लस वन अपॉन आई इज इक्वल्स टू ए प्लस आई, देन द वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पर देखो इक्वल्स टू में ए प्लस आई बी दिया है, यानी आपको क्या करना है इस ब्रैकेट को वन प्लस वन अपॉन आई को ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, और इसके बाद ए प्लस आई बी से कंपेयर कर देना है इक्वल में जो है, तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। कोशिश करिए पहले, फिर मैं बताऊंगा। सबसे पहले भाई कोच ने आंसर निकाल दिया माइनस वन, अभी चेक करना पड़ेगा कि आंसर सही है गलत, पहले और आंसर आने देते हैं। करके का भी आंसर माइनस वन है, शांति का भी आंसर माइनस वन है, ट्रैफिक का भी माइनस वन आ रहा है। चलो ठीक है, फिर चेक करते हैं कि माइनस वन आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो वन प्लस वन अपॉन आई, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, तो इसको आई करके इस तरफ भेजो। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं इस वाले पार्ट में आई से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, वन प्लस आई था, मैं इसमें आई से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, ये ऐसे। अभी देखो क्या हो जाएगा, वन प्लस आई अपॉन आई स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस आई। नेक्स्ट स्टेप में आओगे तो आ जाएगा वन प्लस माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, वन माइनस आई इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। अभी क्या कंपेयर कर दोगे तो इससे मिल जाएगा ए इज इक्वल्स टू वन,
एंड बी इज इक्वल टू माइनस वन। तो हमें बी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। और अगर हमसे दोनों वैल्यू भी कहता कि आप ए की वैल्यू निकालो बी की वैल्यू निकालो, तो हम वो भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो जिन लोगों का भी आंसर माइनस वन आ रहा है सब सही, और जिनका नहीं आया था वो देखें कि इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है, बेसिक्स आपको पता चल गया। अब ए प्लस आई बी के फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे किसी चीज को, इसके लिए आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। इसमें अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता आई प्लस वन हो जाता, और ये वाला आई क्या होता इस तरफ मल्टीप्लाई जाता, तो भी आई ए और ये आई बी हो जाता फिर, ठीक है। तो मैं उसको कॉम्प्लिकेट क्यों करूँ, क्योंकि फिर आप इस तरफ का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दे रहे हो। आप डायरेक्टली सिर्फ इस वाले पार्ट को डील कर सकते हो तो डील कर लो, और डील करने के लिए आसान तरीका वही है कि आई आई स्क्वायर आई क्यूब आई फोर की वैल्यू आपको पता है, उसी से खेलते खेलते आप आसान निकाल लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अच्छा कोई ऐसा तो नहीं सुपीरियर ना हुआ अभी तक, सभी लोग क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर, तब तो नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और कह रहे हैं कि इफ वन माइनस आई एक्स अपॉन वन प्लस आई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस आई बी टाइप में हो, तो देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चलिए लग जाइए सब लोग काम पर और करिए भी, और मुझे आंसर बताइए। पहले आप लोग बताएंगे, जो लोग कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं कर पाते हैं कोशिश करिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन पहले आपको करना होगा। क्या आंसर आ रहा है भाई, लॉलेन का आंसर आया है वन। चलो ठीक है, आप लोग आंसर निकालो मैं भी करता हूँ। कॉन्जुगेट का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये याद रखेंगे, जब रेशियो में इस तरीके से कुछ डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से आई हटाना होता है। ऐसा मत करिए अगर न्यूमरेटर वाले पार्ट से आपने कॉन्जुगेट कर देते, क्योंकि ऐसे में तो न्यूमरेटर वाले पार्ट से आई हट जाएगा ना, और आई को हटाना है यहाँ से, तो हटाने का तरीका ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं।
मुझे लगता है मैं कर रहा हूँ तो बाकी सब लोगों ने अपना पेन को रन कर बंद कर दिया कि सर तो कर रहे हैं, सर जो करेंगे बस वही सही होगा। आप अपना क्वेश्चन करते रहिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहां मैच करिए, या फिर जब मैं कहूँ तब आप उसको देखिए कहाँ आप मिस्टेक कर रहे थे। ऐसे किया आप लोगों ने भी, श्योर का आंसर आया? राजू कोच क्या बात, इतना सन्नाटा क्यों भाई, किसी का आंसर क्यों नहीं आ रहा अभी तक? अभी तक नहीं है, हम सॉल्व नहीं किया। क्यों राजू सॉल्व क्यों नहीं कर रहे भाई? तो नेट का बड़ा इशू है अरुणाचल में। तो आंसर जो है वो आ रहा है वन। जिनका भी नहीं आया है देख लो, शुरुआत से मैं स्टार्ट से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। वन माइनस आई एक्स वन अपॉन वन प्लस आई एक्स था, मैंने वन माइनस आई एक्स जो कि न्यूमरेटर वाले पार्ट का कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। सॉल्व करोगे तो कोई इस तरीके से आ जाएगा, इसमें से ए और बी कंपेयर करके अलग अलग कर लो, क्योंकि हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं। फिर इन दोनों का स्क्वायर करो और ऐड करो, ऐड करोगे तो देखो इस तरीके से सॉल्व होकर क्या आएगा। वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा आप देख रहे हो, ओपन कर दिया मैंने, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर ही बन जाएगा, और नीचे पहले से ही वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, कैंसिल आउट होकर के वन आ जाएगा। एक बार मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप तो सोल्यूशन देख लीजिए, अपनी कॉपी नोट करना है तो नोट कर लीजिए। और अगर किसी को डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो वो पूछ सकता है।
सर थोड़ा सा आगे करिए, थोड़ा सा आगे। ऊपर। हाँ ऊपर थोड़ा सा। हाँ हाँ सर इधर। सर इसमें 1 माइनस आई एक्स है ना, इसके बाद 1 माइनस आई एक्स दोनों है तो इसको 1 माइनस आई एक्स टू द पावर 2 नहीं कर सकेगा होल स्क्वायर। हाँ टू भी कर सकते हो, होल स्क्वायर भी कर सकते हो। मैंने उतना ध्यान नहीं किया, मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी तो आएगा तो यही ना। आप 1 माइनस आई एक्स का होल स्क्वायर कर दोगे ना, तो ओपन करो ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर आई बाई एक्स, आई एक्स का स्क्वायर माइनस 2 आई एक्स, देखो वही तो है -2 ix, और ये स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 और i का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर और 2 ix, वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। चाहे होल स्क्वायर से करो चाहे ऐसे करो आएगा सेम। ठीक है सर नीचे थोड़ा सा करिए सर। यस सर नीचे थोड़ा सा करिए सर। अभी ठीक है सर और थोड़ा सा बस बस बस। ठीक है सर ठीक है, सभी को क्लियर जी। हो गया? एक बार फिर से कंफर्म करो। शांति, सोनम, तैतेन, राजू, करके, जुम, बैम, ताना, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कोई नोट कर रहा है क्या? अभी नोट कर लिया होगा सबने अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेकंड टर्म है वो है मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में। मॉडुलस क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है? तो देखो मॉडुलस जो है और आर्गुमेंट यहाँ थोड़ा समझना। मॉडुलस बहुत आसान होता है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वी। मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉडुलस जो होगा मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो तो मॉड फंक्शन मॉडुलस उसका निकल आया। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालने का तरीका क्या? अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि आई नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और जब आर्ग्यूमेंट निकालते हो आप तो आर्ग्यूमेंट निकालने में क्या ध्यान देना है? देखो आर्गुमेंट निकालने का तरीका ये होगा, आर्गुमेंट में ही सारी मिस्टेक्स होती है। आर्गुमेंट में क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, या बोल सकते हैं मॉड के अंदर ही है ये भी, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, मॉड है तो आएगा तो वैल्यू बाहर जो आएगी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आपकी थीटा की निकलेगी, ठीक है, उस थीटा की वैल्यू को ही आर्ग्यूमेंट आप नहीं मान लोगे। यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देनी पड़ेगी, ये जो एक्स प्लस आई वी में जो एक्स और वाई है ये नंबर कैसे है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि दोनों पॉजिटिव है, दैट मींस एक्स वाई पॉजिटिव है तो पहला क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऐसे में जो थीटा आपका निकलेगा वही आपका आर्गुमेंट हो जाएगा अगर दोनों पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। लेकिन एक इसमें से माइनस, यानी कि माइनस एक्स और वाई, यानी कि एक्स वाला क्वाड्रेंट मान लो ऐसा आ जाए -2 और 1, ठीक है, -2, 1 या -1 और √3 आ जाए, तो वाई देखो प्लस है, मैंने कहा ये आ जाए -1 और √3, ऐसा नंबर हो सकता है ना -1 प्लस i √3 टाइप का, तो ऐसे में देखो रियल पार्ट क्या है -1 ये, और इमेजिनरी वाले जो रियल नंबर है वो क्या है √3, तो एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया। अगर ऐसा कुछ आएगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा निकालोगे ये थीटा एक्चुअल थीटा नहीं होगा, एक्चुअल थीटा आपको तब मिलेगा, यानी कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तब मिलेगा
जब इस थीटा को पाई में से माइनस करोगे, यानी कि 180 में से माइनस करोगे, ठीक है। और इसी तरीके से जब मान लो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम लोग। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आ जाएंगे तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा किया था या थीटा माइनस पाई करेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 180 को माइनस करेंगे। अभी क्वेश्चन में सब कुछ मिलेगा, अभी ये कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, कि ये मत कहना कि वहां पर सर ये कहां से आ गया। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते हैं जहां पर एक्स पॉजिटिव होगा बट वाई नेगेटिव होगा, तो ऐसे में जो भी वैल्यू थीटा की निकलेगी उसमें माइनस लगा दो, बस वही आंसर हो जाएगा आर्गुमेंट का, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है सभी को? अभी देखो क्वेश्चन से कैसे क्लियर करना है इसको। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन मैंने लिखा, जेड इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आई रूट थ्री। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा? पहली बात मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है? आई के साथ जो कुछ भी लिखा है इमेजिनरी, यानी कि इमेजिनरी माइनस रूट थ्री है तो माइनस रूट थ्री। और जब ये इमेजिनरी रियल में माइनस कब होगा कब नहीं होगा ये पता लगाना हो तो भैया सीधा सीधा है ये है कि ए प्लस आई बी से आप कंपेयर करा लो, तो बी के प्लेस पे आपको देखते हैं आप प्लस आई है, बी के प्लेस पे देख रहा है माइनस रूट थ्री लिखा है, ए के प्लेस पे माइनस वन लिखा है, तो क्लियर हो जाएगा रियल पार्ट कितना है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट मींस माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। तो वन प्लस थ्री दैट इज अंडर रूट फोर, फोर का आ जाएगा टू, तो मॉडुलस का आ गया टू, ठीक है। अब बात आती है आर्गुमेंट की, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू यानी कि माइनस वन अपॉन माइनस वन माइनस रूट थ्री आई लिखा है। तो एक्स और वाई इसमें क्या है? माइनस वन है और माइनस रूट थ्री है, माइनस माइनस दोनों है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा होगा ये। देखो मैंने यहाँ शो किया थर्ड क्वाड्रेंट माइनस वन माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू निकलेगी थीटा की, थीटा माइनस पाई करने से एक्चुअल आर्ग्यूमेंट आएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पहले तो मॉड के अंदर मॉड लगाएंगे और इमेजिनरी पार्ट माइनस रूट थ्री अपॉन रियल पार्ट माइनस वन, माइनस वन ऐसे ही कैंसिल हो गया। अगर मान लो नहीं भी कैंसिल होता और माइनस लगा रहता तो बाहर आता तो विदाउट प्लस हो जाता है पॉजिटिव, मॉड के अंदर से कुछ भी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो बाहर आता तो पॉजिटिव हो जाता है, तब भी हम इसको माइनस मान लो ये होता मेरा कहने मतलब माइनस रूट थ्री अपॉन वन होता मॉड के अंदर तो भी इसको हम बाहर रूट थ्री ही लिखते, ठीक है। यहाँ पर दोनों नेगेटिव थे तो कट गया माइनस, तो ये मत सोचना कि अगर कभी और एक नेगेटिव होगा तब क्या करेंगे, ये आ गया रूट थ्री। अब रूट थ्री टेन में देखो किसकी वैल्यू होती है? टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री, यानी कि पाई बाई थ्री लिखेंगे, पाई इज इक्वल टू 180 तो पाई बाई थ्री अगर लिखोगे तो कितना हो गया 60 हो गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। बट अभी ये आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, आर्ग्यूमेंट कैसे निकले? क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट कैसे थे नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट निकलता है थीटा माइनस पाई करके। तो अभी अपने को क्या करना है इस, बट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा माइनस पाई करेंगे ना, गलत लिख गया आपको ऊपर ये लिखा लिख गलत दिया मैंने, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ पर फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो थीटा माइनस पाई करेंगे, गलत हो गया, थीटा माइनस पाई करेंगे हम लोग, थीटा माइनस पाई, तो थीटा कितना है पाई बाय थ्री माइनस पाई, तो यहाँ से जब आप करोगे तो आएगा माइनस का टू पाई बाय थ्री। आर्ग्यूमेंट जो है वो ये निकला माइनस टू पाई बाय थ्री। बहुत लोग क्या करेंगे एग्जाम में जब आएगा, और कई कोचिंग और कई टीचरों को ये चीज नहीं पता होती तो वहां पर क्या करेंगे बस टेन टेन थीटा निकाला। अब बाय द वे लकली वो मान लो दोनों पॉजिटिव क्वाड्रेंट थे तब तो ठीक हो गया, लेकिन उनमें से कोई एक क्वाड्रेंट एक्स और वाई में से माइनस का हो या दोनों माइनस के हो तो थीटा भी तो चेंज हो जाएगा, आर्गुमेंट भी तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चीजें कोई नहीं आपको बताएगा। रियल आर्गुमेंट इसका क्या हो जाएगा माइनस टू बाय बाई थ्री। एक बार जरा मुझे कंफर्म करिए, मैं ऊपर पूरा दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन कंफर्म हुआ आपको क्लियर हुआ कैसे करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि मॉडुलस आसान है आर्गुमेंट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट आपको देखना पड़ेगा। कोच को क्लियर है सभी को क्लियर है, बाकी लोग बताओ भाई अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, अदरवाइज रिप्लाई करो तो आगे बढ़ा जाए। थे
शांति लॉलेन योरिकाना क्लियर चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इसके ऊपर देखा था अगर कुछ और है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 माइनस आई अभी इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट आप लोग मुझे बताएंगे क्या आएगा चलो करो सबसे पहले मॉडुलस निकालिए फिर आर्गुमेंट निकालिए और आर्गुमेंट और मॉडुलस निकाल के बताइए क्या आ रहा है आंसर आया छोटे छोटे क्वेश्चन में इतना समय लेते हो किसी का आंसर आया भाई मॉड 0 आ रहा है 0 कैसे आ सकता है राजू मॉड में तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करो -1 रियल पार्ट है -1 जो है इमेजिनरी पार्ट है दोनों का स्क्वायर करो 0 कैसे आ सकता है चलो मैं मॉड करता हूँ मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर रियल पार्ट यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ -1 है स्क्वायर कर दो प्लस -1 ही आई के साथ भी तो लिखा हुआ है कॉन्जिक्यूट इसमें क्यों करना है यार अब इसमें देखो 1 + 1 यानी क्या आ जाएगा आंसर √2 ये हो गया मॉडुलस अब बात आती है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड अगर एम्पलीट्यूड भी लिख दे तब भी कुछ नहीं आर्गुमेंट ही लिख रहा है मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया वर्ड एम्पलीट्यूड अगर एम्पलीट्यूड लिख के आ जाए तो ये मत सोचना यहाँ पर क्या कह रहे हैं निकालने के लिए एम्पलीट्यूड लिखा है तब भी आर्गुमेंट ही कह रहे हैं अब आर्गुमेंट निकालते हो tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड y अपॉन x योर मॉड के अंदर -1 upon -1 कैंसिल आ गया 1 तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू किसमें होती है tan थीटा अब ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए कि किसकी क्या वैल्यू होती है ये मैं यहाँ क्लास 9th का नहीं सिखाने बैठा हूँ
ये आप लोग को थीटा की वैल्यू बताऊं कि क्या होगी, तो टेन जो है वन वैल्यू होती है पाई बाई फोर की, यानी कि टेन फोर्टी फाइव, टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन होती है ना, ठीक है, टेन पाई बाई फोर। तो यहाँ से अपने को मिला थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर, लेकिन अभी देखो यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, और जब दोनों नेगेटिव होते हैं तब क्या होता है कि थर्ड क्वार्टर में आता है। शांति कह रही स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, अभी दिखाई दे रही शांति? शांति अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा क्या हो रहा है भाई? बाकी सबको तो शो हो रहा है। अच्छा दिख रहा है, ठीक। देखो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर आया, अभी क्या करना है कि ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है ये। तो क्वाड्रेंट के जब देखोगे तो यहाँ पर माइनस वन कहाँ पड़ेगा, माइनस वन पड़ेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, वो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या निकलता है, थीटा जो एक्चुअल थीटा होता है, यानी कि आर्गुमेंट जो होता है वो हो जाता है थीटा माइनस पाई, ठीक है। तो अभी क्या होगा, सो आर्गुमेंट इज इक्वल टू, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा यानी कि पाई बाई फोर माइनस पाई, दैट मीन्स थ्री पाई बाई फोर, और वही माइनस का। तो मॉड आ गया आपका अंडर रूट टू, एंड आर्गुमेंट आ गया आपका माइनस थ्री पाई बाई फोर। बहुत सारे एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में इस टॉपिक से जरूर आता है कि मॉड निकालिए या आर्गुमेंट निकालिए, ठीक है। और वो जान बूझ के आप ये जानो दोनों पॉजिटिव नंबर देते, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये जो क्वाड्रेंट वाला खेल है ना ये जरूर वो लोग डाल देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव होगा तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सही निकल आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है थीटा जो निकाला वही आंसर हो गया। लेकिन ये बाकी के जो तीन क्वाड्रेंट है यहाँ पर जो सेकंड थर्ड और फोर्थ में, यहाँ आंसर चेंज हो जाता है थीटा का आर्गुमेंट निकालते टाइम, तो वो इस खेल को जरूर डालते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि उसको पता है, बाकी सबको सबको ये तो पता होता है, इन्फॉर्मेशन होती है tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x कर देंगे आंसर आ जाएगा, तो थोड़ा सा उसमें वो डिफिकल्ट करने के लिए ऐसा कर देता है, ठीक है। सभी का आंसर आ गया अभी अंडर रूट टू एंड माइनस थ्री पाई बाई फोर, सभी का आंसर आ गया मैंने पूछा, किसी को कोई डाउट है? लॉलेन Okay. चलो भाई एक और क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर। अब देखो यहाँ पर भी लिखा है फाइंड द एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ दिस नंबर। एक चीज यहाँ पर देखो, इस नंबर का एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट फाइंड करने को कह रहे हैं, लेकिन क्या ये नंबर अभी पूरी तरीके से a प्लस आई बी फॉर्म में है? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। जब a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप इसका, यहाँ पर मॉडुलस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ आर्गुमेंट की बात कर रहे, इसके बाद आप इसका आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। जरा मुझे सभी लोग बताइए क्या आपको, अगर मैं ये होमवर्क पे दे दूं क्वेश्चन तो आप लोग कर पाओगे? क्योंकि इसमें देखो अंदर ब्रैकेट है टू प्लस आई और टू माइनस आई, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कॉन्जुगेट करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि टू प्लस आई और टू माइनस आई आपस में नीचे एलसीएम में आएंगे तो कॉन्जुगेट ही है एक दूसरे के, बाकी ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी बन रहा है उसको सॉल्व करो, और लास्ट में ये जो बाहर वाला आई है इस आई से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जो अभी ब्रैकेट के अंदर रियल है और इमेजिनरी है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, इमेजिनरी वाला पार्ट रियल बन जाएगा, रियल वाला इमेजिनरी बन जाएगा।
इस तरीके से ये पूरा a प्लस ib के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड का मतलब आर्गुमेंट ही है, कुछ मैंने एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट लिख दिया, इसलिए जैसे आर्गुमेंट निकालते हैं वही चीज है, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट देखो लिखा हुआ है। दोनों एक ही होता है, मैंने दोनों नाम लिख दिए यहाँ पर, इसलिए कि अगर कभी एम्पलीट्यूड लिख करके आ जाए तो आप ये ना समझो कि क्या लिखा है। जल्दी से रिप्लाई करो, सिर्फ एक लोगों ने कहा कि हाँ सर हो जाएगा, बाकी को नहीं लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो बताइए, मैं टाइम वेस्ट नहीं हूँ, मैं बताऊँ फटाफट इसको, और अगर आपको लगता नहीं इसको घर पे ट्राई करेंगे। हाँ सभी लोग ट्राई करके देखेंगे, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, इन दोनों में एलसीएम लेंगे आप 2 प्लस आई 2 माइनस आई का। देखो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दो नंबर एक साथ प्लस में लिखे हैं, तो पहले इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, जो भी कुछ आएगा फिर उसमें अंदर आई से मल्टीप्लाई करोगे, फिर देखो क्या ये ए प्लस आई में आई बी में कन्वर्ट हो गया। जब कन्वर्ट हो जाए फिर आप आर्गुमेंट टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स से निकालेंगे, ठीक है। लेकिन कल मैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पूछूंगा जरूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डोंट टेक इट इजी इसलिए, ओके इसको करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 1 माइनस i अपॉन 1 प्लस i, ये भी हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में क्या करोगे, यहाँ पर 1 प्लस i ऊपर है, 1 ऊपर भी i है नीचे भी i है, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी कुछ सॉल्व करना है तो हमें डिनोमिनेटर से i को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर में आई है तब तक क्वेश्चन ए प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं रहेगा, और जब ए प्लस आई बी के फॉर्म में ही नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फंडामेंटल्स कैसे यूज करेंगे। ऐसे में इसमें क्या करेंगे कि वन प्लस आई है, वन माइनस आई यहां पर कॉन्जुगेट का यूज करके, और 1 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में ये भी आ जाएगा, और जब a प्लस आई बी के फॉर्म में आ जाएगा फिर आपको आर्गुमेंट निकालना, मैं सिखा चुका हूँ वैसे निकालना है, ये दोनों ही क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे ना सब लोग। सभी को ट्राई करना है और घर पर खुद से करना है इसको। नेक्स्ट देखो एक और टॉपिक है, अब है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होगा और आपसे पूछेंगे इसका पोलर फॉर्म क्या होगा ये बताइए। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए जैसे क्या है कि z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है, तो पोलर फॉर्म में इसको स्मॉल r, और ये r क्या है मॉडुलस है, स्मॉल r cos थीटा प्लस i sin थीटा ऐसे लिखते हैं, ठीक है पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस i sin थीटा। राजू पूछा सर 0 प्लस 2i फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, हाँ क्यों नहीं होगा, देखो पहला भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा राजू 0 प्लस 2i। z इज इक्वल्स टू x प्लस 2i इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जब इस फॉर्म में नंबर होता है तो इसको हम कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पोलर फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। अब इस पोलर फॉर्म में कन्वर्जन हो गया तो क्या क्या है, ये आर क्या है, ये आर कुछ और नहीं मॉडुलस है, जो मैंने ये आपको ऊपर निकालना सिखाया है वही मॉडुलस है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ठीक है इसको ऐसे भी लिख लो, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, और ठीक है रिकॉर्डिंग से पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और टेन थीटा क्या है वही वाई अपॉन एक्स जैसे आर्गुमेंट निकालते थे आप अभी तक, इसमें कोई अलग नहीं, यहाँ भी क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में है, उस हिसाब से आप यहाँ पर भी आर्गुमेंट निकालेंगे, और आर्गुमेंट और मॉड जैसे निकालते थे ऊपर भी सीखे हैं वैसे ही निकालना है,
फिर यहाँ पर वैल्यू रख देनी, यानी आर की जगह पर जो मॉडुलस निकाला वो वैल्यू रख दूंगा, थीटा के प्लेस पर वो थीटा जो आर्गुमेंट आपने निकाला है, और इस तरीके से ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखते यहाँ पर लिखा है पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू वन प्लस अंडर रूट थ्री आई, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल पार्ट का स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर वन प्लस थ्री यानी कि फोर, फोर का अंडर रूट लोगे तो टू आएगा, टू आ गया। अभी टेन थीटा देखो यहाँ पर अच्छी बात यह कि पहला भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो पहले क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड वाई अपॉन एक्स देंगे तो रूट थ्री बाई वन इज इक्वल टू रूट थ्री, पहले ही क्वाड्रेंट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री होता है टेन पाई बाई थ्री यानी कि सिक्सटी की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई थ्री, थीटा आ गया आर आ गया, बस अब फॉर्मूले में पुट कर दो, हियर द पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री आई, रूट थ्री आई वन प्लस रूट थ्री आई हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका पोलर फॉर्म आर कॉस प्लस आई साइन थीटा होगा, जिस वजह से आर की वैल्यू क्या हुई टू, थीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री, तो कॉस पाई बाई थ्री प्लस आई साइन पाई बाई थ्री ये आंसर हो जाएगा। जरा बताओ सभी को पोलर फॉर्म क्रिएट समझ में आया, रिप्लाई करिए एक बार, देख लो स्क्रीन को एक बार, एक मिनट में आप देख लो, अगर कोई स्टेप नहीं क्लियर हुई तो मैं बताऊंगा, क्लियर है सभी को लगभग, है ना? ठीक है, ये होता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के बाद अभी इन सब पे क्वेश्चन आपको खूब सारे मैं कराऊंगा, अभी देखो बीच में आ रहे हैं, एक अलग से पीडीएफ क्वेश्चन जो की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, क्योंकि मेनली इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन बहुत दूर तक नहीं आते, पोलर फॉर्म मॉडुलस आर्ग्यूमेंट ए प्लस आई बी फॉर्म या डिवाइजर थ्योरम का यूज करके कैसे करते हैं, यही सब चीजें आती हैं। नेक्स्ट है डिमाइवर्स थ्योरम के बारे में, मेरे को आपको बताना था डिमाइवर्स थ्योरम क्या होती है। डिमाइवर्स थ्योरम वैसे ये कॉम्प्लेक्स में भी मान सकते हो आप इसको, और इसको आप मान सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में भी, जहां भी आ जाए वहां यूज कर सकते हो, और कहीं कहीं भी इसका यूज हो रहा हो आप उसके डिमाइवर्स थ्योरम का रीजन दे सकते हो, यानी कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखा हुआ है, क्योंकि आई लिखा यानी कि है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म लिखा हुआ है, तो अगर cos theta plus i sin theta ये होना कंपलसरी इस टाइप की क्वेश्चन हो, और इसका पावर n है यानी इसकी पावर n हो, तो वो वैल्यू क्या होती है cos n theta plus i sin n theta। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है cos theta plus i sin theta की पावर 100 लिखा है, तो cos 100 theta plus i sin 100 theta ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये डिमाइवर्स थ्योरम हमको बताती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को क्लियर है? तो यहां तक आज की क्लास में था आपके लिए डिमाइवर्स थ्योरम्स की, तक जो हम लोग रुकेंगे आज यहीं पर, आज यही वेट करेंगे, नेक्स्ट क्लास जब हमारी वेडनेसडे को होगी तब कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ और चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में कैसे कॉन्स्टेंट होता है, और कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और तीन टर्म यानी कि इस वीक के लास्ट तक फ्राइडे तक आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और क्यों ये पढ़ाना पड़ा टीजीटी वालों बैचेस में पहले, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको टीजीटी वालों को पढ़ाना था, वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज होता है, तो इसलिए मुझे यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ा, और सिलेबस में भी है, तो सिलेबस भी कम्प्लीट हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो जाएगा, और इसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक टॉपिक है एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है, तो वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो जैसे आज सभी लोग आए हैं, ऐसे ही आपको सारे लोगों को टीजीटी और पीजीटी दोनों में कॉमन है ये टॉपिक, तो सारे पीजीटी और स्टूडेंट जो मेरे आज यहाँ पर आए हैं वो जब तक मैं नहीं कहता तब तक आप लोग की यानी क्लास में आना है, और आपकी जो क्लास रेगुलर चलती थी वो आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे तब कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ और चीजें पढ़ेंगे, अभी आप इस पीडीएफ को अच्छे से दो तीन बार पढ़िए, इसके क्वेश्चंस को लगाइए और प्रैक्टिस में आइए अच्छे से, कोच करें डिमाइवर्स थ्योरम से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, डिमाइवर्स थ्योरम से क्वेश्चन डायरेक्टली हो सकता है नहीं पूछे कोच, बट डिमाइवर्स थ्योरम से क्या करें, अच्छा किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, डिमाइवर्स थ्योरम का यूज होता है कई जगह पर, अभी क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा आप लोगों को, और डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली पूछने मान लो ऐसा है कि cos थीटा, या चलो लास्ट नेक्स्ट टर्म पे जब आऊंगा तब मैं इसके क्वेश्चन वगैरह लेके आऊंगा तभी बताऊंगा, ठीक है, कहीं यूज होगा तब बताऊंगा, आज के लिए इतना ही, और ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा,
और पीजीटी वाले स्टूडेंट की कल क्लास है अपनी ट्यूजडे को, जो क्लास चल रही थी वो ऐसे चलती रहेगी, ठीक है? दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन.